एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी अप। और आज हम सीखेंगे कुछ वोकैबुलरी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अबॉमिनेट। अबॉमिनेट को आप कैसे याद करें? इसको आप याद करें नेट हेट, दोनों सिमिलर साउंड करेंगे, अबॉमिनेट हेट। तो अबॉमिनेट का मतलब क्या होता है? किसी से घृणा करना, किसी से नफरत करना, मतलब किसी से हेट करना। तो अबॉमिनेट आप इसको हेट से याद कर सकते हैं। I abominate her rude behavior. मुझे उसका rude behavior क्या है? बेकार लगता है, मुझे उससे नफरत है। तो आएगा I abominate her rude behavior. You should not abominate poor. Means क्या है इसका? You should not hate poor. तो यहाँ पे abominate की जगह क्या भी यूज कर सकते हैं? Hate. दूसरा है blood. Blood का मतलब है बक देना, बोल देना। जैसे कि before I could stop him, he blurted out the news. मतलब इससे पहले कि मैं उसे रोक पाती, उसने क्या है? News बक दी। डोंट ब्लर्ट आउट द न्यूज, मतलब न्यूज मत बक देना, न्यूज मत बोल देना। तो यहाँ पे बक देने के लिए हम ब्लर्ट का यूज कर सकते हैं। दूसरा है ब्लंडर। ब्लंडर देखो, गलती करने के लिए बोलते हैं मेक मिस्टेक। और अगर कोई स्टूपिड मिस्टेक है या फिर कोई बड़ी गलती, तो वहां पे आप ब्लंडर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यू मेड अ टेरिबल ब्लंडर, तुमने क्या कर दी? बहुत बड़ी गलती कर दी। आई हैव मेड ब्लंडर। तो यहाँ पे गलती के लिए हम मिस्टेक का यूज करते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ी गलती हो, ये कोई स्टूपिड मिस्टेक हो, तो वहां पे भी आप किसका यूज कर सकते हैं? वहां पे आप ब्लेंडर का यूज कर सकते हैं। ग्रेस्प। ग्रेस्प का मतलब होता है पकड़ना। अब इसको देखिए, एक तो आप जब किसी चीज को पकड़ते हैं, दूसरा पहले एग्जांपल देख लेते हैं। आई ग्रेस्प द रोप बाय इट्स एंड, मैंने जो रस्सी है उसको कहां से पकड़ा? उसके एंड से पकड़ा। दूसरा यहाँ पे ग्रेस्प का एग्जाम्पल है, ही हैज अ गुड ग्रेस्प ऑफ मैथ, मतलब क्या? उसकी मैथ्स में अच्छी